हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक, हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये कब लॉन्च हुआ था और इसने किस तरीके के रिजल्ट्स जो है हासिल किए हुए थे, और प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड और भी चंद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो सभी जानते हैं भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जनरल जीके है, टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है एंड ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट पोजिशन इन इंडियन कल्चर। आपने कई बार जो है दुर्गा माता को विद अ टाइगर देखा होगा, या फिर अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो कई लोकल रीजनल कल्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि टाइगर से एसोसिएटेड है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि टाइगर जो है बहुत ही डीपली इनग्रेंड है इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन रिलीजन में। टाइगर यूजुअली सिंबलाइजेस पावर एंड एनॉर्मस एनर्जी। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर लायन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, टाइगर इज वॉरियर ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि ये इकलौता जो है हंट करता है, ये ग्रुप्स में वगैरह हंट नहीं करते, ये अलोन जो है वो जिंदगी जीते हैं। तो इट इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ पावर एंड एनॉर्मस एनर्जी। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इंडीड लॉन्च्ड इन 1973 एंड इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हमने पिछले वीडियोस में भी कई बार, जब कभी भी हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात किया तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर की बात की, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया हुआ था वो था प्रोजेक्ट टाइगर। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस वक्त, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया हुआ था। इट गिव्स फंड हेल्प टू टाइगर रेंज स्टेट्स फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन द चोजन टाइगर रिजर्व। इन सीटू और एक्सीटू दो अलग अलग तरीके के कंजर्वेशन होते हैं। इन सीटू यानी कि विद इन दैट फॉरेस्ट इटसेल्फ आप ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम करवाते हैं, यानी कि ह्यूमंस की वहां पर एंट्री रिस्ट्रिक्ट वगैरह करवाते हैं, खुद आप जो है उन टाइगर्स को टाइम देते हैं, एडिक्वेट स्पेस देते हैं कि आप खुद जो है यू नो सेटल डाउन योर सेल्फ विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। आपको हंटिंग वगैरह भी नहीं करवाएंगे, यानी कि टाइगर्स की हंटिंग वगैरह भी नहीं होगी, यानी कि उन्हें अच्छी तरीके से ब्रीडिंग वगैरह करने के लिए जो है एडिक्वेट स्पेस और एडिक्वेट प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाएगा। ये इन सीटू है। एंड अदर वन इज एक्सीटू, जहाँ पर कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, जहाँ पर आपको जो है किसी एनिमल ब्रीड को लाया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह में रखकर जो है आपको थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेस जो है या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस के द्वारा भी आपकी ब्रीड को जो है बचाया जाता है और आपको कंजर्व किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो दरअसल एक फंड मेंटेन करता है जिसके तहत टाइगर रेंज स्टेट्स, जिस स्टेट को भी टाइगर रेंज की तरह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस करता है, वहां पर स्टेट की सरकार को जो है एडिक्वेट फंड्स दिए जाते हैं ताकि वो टाइगर रिजर्व्स को जो है मेंटेन कर सकें। इट हैज पुट दैट एंडेंजर्ड टाइगर ऑन अ गारंटीड पाथ ऑफ रिवाइवल बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो फ्रॉम अ वेरी मियर अमाउंट ऑफ 70 और 60 टाइगर समवेयर अराउंड 1970s, बाई 2020 हाल ही के रिसेंटली के रिपोर्ट है, द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन समवेयर अराउंड 2900। एंड विद दिस नंबर पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं 90% ऑफ द टाइगर्स टुडे आर इन इंडिया। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड बात है एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा हमारे चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। The project Tiger aims to promote an exclusive tiger agenda in core areas of tiger reserves with inclusive people's participation. Local community का participation भी बहुत ज़रूरी है। पिछले कई videos में हमने बात किया हुआ था कि जब तक हम इन local communities का साथ नहीं लेंगे इन core areas में, क्योंकि ये जितने भी local communities हैं वो buffer zones में रहते हैं, यानी कि उस core area के आसपास रहते हैं, तो चाहिए कि इस buffer zone में जो कोई भी रहता है वो खुद योगदान दे अपना, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि टाइगर्स के मेटिंग हैबिट्स क्या हैं, उनके कौन से सीजन्स में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके ब्रीडिंग के तरीके क्या है, किस तरीके का खान पान उनका होता है। तो बिना लोकल कम्युनिटी या फिर लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन के टाइगर्स का कंजर्व करना बहुत ही मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जाहिर सी बात है कि टाइगर को बचाना, उसके नंबर्स को इंक्रीज करना ही उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करते हैं। टू गारंटी अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स फॉर फाइनेंशियल, साइंटिफिक, एस्थेटिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। अभी हमने देखा कि कल्चर में है, इंडिया के कल्चर में टाइगर है, रिलीजन में टाइगर है, ट्रेडिशन में टाइगर है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए जो है एक प्राउड मोमेंट होगा जब इस तरीके का एक एक्सॉटिक स्पीशीज जो है हमारे जंगलों में पाया जाएगा। नो डाउट इट विल स्ट्रेंथन आवर फाइनेंशियल वैल्यूज, जाहिर सी बात है टूरिज्म वगैरह के लिए भी लोग आएंगे, साइंटिफिक वैल्यूज भी हमारे बढ़ेंगे, एस्थेटिक यानी कि जिंदगी की जो ब्यूटी है वो भी बढ़ेगी, सोशल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज भी जो है बढ़ेंगे, क्योंकि फूड चेन में टॉप में आता है हायरार्की में टाइगर। लिमिट द एलिमेंट विच लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ टाइगर हैबिटेट एंड टू टोन डाउन देम बाई सूटेबल स्ट्रैटेजी। कई बार उनकी पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड वगैरह होते हैं, उनके दांत, उनके चमड़ी के लिए जो है उन्हें मारा जाता है, तो इस तरीके के एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिया जाए।
said particular eco-development to decrease the dependency of local individuals and indigenous people on tiger reserves. तो कई ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट ड्वेलर जो है आज भी उन फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं उस कोर एरिया पर, जहाँ पर दरअसल टाइगर का कोर एरिया होता है, वहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए वगैरह वहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो जो आसपास बफर रीजन में रहते हैं उन लोकल कम्युनिटीज़ के लिए भी, उन ट्राइबल्स उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एडिक्वेट लाइवलीहुड की फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड करें और उन्हें किसी भी तरीके का एडवर्सिटी ना पहुंचे जस्ट बिकॉज देयर इज अ टाइगर रिजर्व एंड इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये चंद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इससे होगा क्या? देखिए, द प्रोजेक्ट टाइगर हैज पुट द टाइगर ऑन सर्टेन कोर्स ऑफ रिवाइवल फ्रॉम द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी मैंने नंबर्स कहे, लिटरली लगभग 2900 के आसपास जो है एज ऑफ 2020 द नंबर ऑफ टाइगर्स हैज गॉन टू अ वेरी गुड नंबर। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री हैज बीन ऑग्यूमेंटेड कंसिडरेबली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत ही की क्रूशियल प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स भी इसे कहा जाता है बाई इंडियन गवर्नमेंट। कई बार इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है इस प्रोजेक्ट को। द प्रोजेक्ट हैज ओपन अ वाइड डोर ऑफ टूरिज्म एंड देयर बाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसे कई इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, बेस्ट एग्जाम्पल उत्तराखंड जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क, या फिर आप नल्लामल्ला टाइगर रिजर्व भी ले लीजिएगा। यहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर चलती है, देश विदेश से जो लोग आते हैं यहाँ पर टाइगर्स वगैरह देखने के लिए, तो टूरिज्म भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट यहाँ पर मिलता है। दिस इनिशिएटिव हैज ब्रॉट द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल एंड देयर पार्टिसिपेशन हैज मेड द हैबिटेट टू रिवाइव। तो लिटरली उस बफर जोन में जितने भी लोकल कम्युनिटी के रहते हैं ट्राइबल्स वगैरह, उनका भी जो है योगदान लेकर इन टाइगर्स को बचाने की कोशिश की गई है, और इन दोनों के पार्टिसिपेशन के साथ ही जो है प्रोजेक्ट टाइगर सक्सेसफुल हुआ है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।